अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो, उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही हैं, बड़ी सोच समझ के कही हैं, वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं, मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है, इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं, मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए, मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए, मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा दोस्तों।